हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं जय विलास पैलेस। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पैलेस, बहुत पुराना पैलेस है। दिस पर्टिकुलर प्लेस होल्ड्स रियली स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और ये जवाहर सिटी में है, जो मुंबई से 130-140 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 2 से 3 घंटे का ड्राइव है, बहुत मज़ा आने वाला है। व्लॉग पूरा देखिएगा और आप लोग भी इंजॉय करेंगे अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, अगर आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद हैं। और एक बहुत ख़ास बात आज हुई है, तो जी रेडी हो गई हैं 5 मिनट में। ये मुझसे ज़बरदस्ती बुलवाया गया था, एक्चुअली में 1 घंटे लगे हैं। मास्क इज सो इम्पॉर्टेंट, पीपल आर सो एनलाइटेंड दैट यू कैन सी प्लांट्स को भी मास्क लगा के रखा हुआ है। अच्छे लग रहे हैं हम लोग ना? हम हमेशा ही अच्छे लगते हैं। वाओ, मैं तुम्हारे लिए चलती कार से भी फूल ला सकता हूँ। और वो कैसे? ऐसे। सीरियसली? यस। और अब हम जा रहे हैं हमारे फ्रेंड को पिकअप करने, आज जो हमें उस लोकेशन पे ले जाएंगे, जो हमें बताएंगे, क्योंकि वो पहले वहाँ जा चुके हैं। फ्रेंड इज हियर। हाय अनिकेत। हाय। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस, जवाहर सिटी। मुझे जितना पता है कि ये पैलेस जो है वो बनवाया था महाराजा यशवंत राव जी मुखाने ने। हाँ। और पहले ये जो है पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था, मतलब ये शहर जो है 13th या 14th century में एक राजा जो मुखाने फैमिली से ही थे, उन्होंने ये एक स्टेट एस्टैब्लिश किया था जिसका नाम था जवाहर स्टेट। We should play some music. Music. क्या गाना लग रहा है, वाह! So we are passing through Wada right now. कई सारी बड़ी ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे, बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया ये। We are still in Wada. ये वाड़ा का मार्केट है। मुंबई से अगर आप बिलोंग करते हैं, किसी मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये जो नज़ारा है आपको बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि ये शहरों से, मेट्रो शहरों से दूर ऐसे बाजार, ऐसे छोटे टाउन्स होते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। वाड़ा ये जो वर्ड है इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। जो पहले छोटी रियासतें होती थी, रजवाड़े होते थे, उसमें जो मुखिया होते थे उनका जो सबसे बड़ा घर होता था गाँव का, उसको वाड़ा कहते हैं। तो ये शहर है, छोटा सा शहर, प्यारा सा शहर, इसका नाम है वाड़ा। यहाँ पे पटाखों की बड़ी फैक्ट्री है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। नाउ यू कैन सी ये जो ब्रांड है जिसका नाम लगा हुआ है बोर्ड पे हर जगह, ये काफ़ी फेमस है मुंबई में। मुंबई के आसपास इस ब्रांड के पटाखे बहुत मिलते हैं, तो ये पूरा उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे लगी हुई है, पटाखों की फैक्ट्री। राइट, कहाँ है फैक्ट्री? कहाँ है फैक्ट्री? कहाँ है मगर क्या बना दी साला? एक मिनट, तुमने मुझे बोला था कि 2 या 3 घंटे का ड्राइव है और बहुत प्यारा सा रोड है। तीन घंटे ऑलरेडी घर से निकल के हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ खराब ही रोड चल रहा है। सर प्यारा सा रोड आएगा कब? मैं जबान वाला आदमी हूँ सर। कब? रुको थोड़ा, आप याद करोगे।
have got down off the car to show you the beautiful scenic view of this location. Look at this beauty. Incredible Maharashtra. What a beauty यार, what a beauty. हम बाहर जाके घूमने की बात करते हैं, देश के बाहर जाने की बात करते हैं, लेकिन अगर हम अपना देश पूरा अच्छे से घूमें ना, तो हमको समझ में आएगा कि कितना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए जो हमें पता ही नहीं है. बहुत तेज़ भूख लगी है और हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आसपास दूर दूर तक कंप्लीट नो मैन्स लैंड. हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं कुछ मिल जाए अच्छा खाने, तो हम खा के फिर आगे बढ़ें. सो ब्यूटीफुल. ये गांव वालों के सामने हम जाके कहते हैं ना कि मतलब वो हमें सुनते हैं, ऐसे बोलती हो कि सो ब्यूटीफुल, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है. वो ऐसे सोचते हैं साले ये भले अमीर है ये शहर के, लेकिन ये है एक्चुअली गरीब लोग, इनको पता ही नहीं कि यहाँ पे कितना सुकून है. वन वे जाने के लिए दूसरी गाड़ी सामने से आ गई तो कम से कम 200 मीटर पीछे गाड़ी लेके जानी होगी. नहीं, सामने वाले को लेके जाना पड़ेगा. एंड फाइनली वी हैव गॉट अ रेस्टोरेंट, नाउ वी आर स्टॉपिंग फॉर फूड. बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है. ये है हमारा ढाबा जहाँ हम खाना खाएंगे, शिवनेरी ढाबा. आई एम लुकिंग फॉर सम रियली गुड फूड क्योंकि ये बहुत फेमस है यहाँ पे. तो वी डिसाइडेड टू वॉक टू द पैलेस बिकॉज जहाँ हमने खाना खाया वहाँ से शॉर्टकट है, तो थोड़ा सा जंगल का रास्ता है जहाँ से वॉक करके हम जा सकते हैं. और सामने हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पहुँच करके मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है पैलेस. कैन यू गाइस सी दैट? उसमें से कोई बदमाश लोग रहते हैं. ये पहले यहाँ पे सैनिक खड़े रहते थे राजा के, और यहाँ से वो निगरानी करते थे. आप देख सकते हैं पूरी वैली है वहाँ पे, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है झरोके से, ये पहले से जहाँ हम जा रहे हैं.
तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 13th और 14th सेंचुरी के बीच में जो राजा थे उन्होंने एक जवार स्टेट को एस्टैब्लिश किया था, और ये जो जवार छोटा सा टाउन है ये उसका कैपिटल था। और जो आखिरी रूलर थे महाराजा यशवंतराव मुखाने, उन्होंने ये पैलेस बनवाया था। तो ये जंगलों से होकर के हम जाते हैं क्योंकि पहाड़ के ऊपर ये पैलेस है, तो जब हम पैलेस के नज़दीक पहुंचते हैं तो उसके आसपास पूरा जंगल है। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड दैट द पैलेस इज अमिड्स द वुड्स। पैलेस जो है वो जंगल के बीचों बीच बना हुआ है, पहाड़ के ऊपर और जंगल के बीचों बीच। काफ़ी रिनोवेशन का काम हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और कुछ कारणों से पैलेस को बंद किया गया, अंदर जाना अलाउड नहीं है। मैंने सोचा था कि अंदर आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा अंदर का पैलेस का, लेकिन वो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको आउटर व्यू दिखा रहा हूँ। पूरा जंगलों के बीच में और पहाड़ के एकदम चोटी पर बनाया हुआ है ये पैलेस। यहाँ पे गज़ीबो बनाया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे फाउंटेन हुआ करता था जहाँ से शैंपेन बहती थी। क्या बहती थी? शैंपेन। अबे साले, पुराने जमाने में जो युद्ध वगैरह होते थे उसमें सैनिक तलवार और ढाल इस्तेमाल करते थे। उस ढाल की मिनिएचर फॉर्मेट में जो कन्वर्जन हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से निगरानी रखी जाती थी, और आप देख सकते हैं कि निगरानी का जो दायरा है वो कितना बड़ा है। तो इस तरह से ये जो पैलेस है ये पूरी तरह से पहाड़ के ऊपर बना है। इसके चारों तरफ से वैलीज़ हैं और इस तरह के आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ से सैनिक जो हैं वो नज़र रखते थे अपने किले पर। और इस पैलेस के आसपास का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लुक एट द व्यू, द मैस्मराइजिंग ब्यूटिफुल व्यू। गोइंग बैक होम, वी थॉट कि हमें अंदर देखने मिलेगा, लेकिन अंदर इस समय मरम्मत चल रही है तो सब बंद है। और अगर नेक्स्ट टाइम मैं वापस यहाँ पे जल्दी आया तो मैं आपको पार्ट टू दिखाऊंगा और अंदर से पूरा पैलेस दिखाऊंगा। बट वी हैड रियल गुड फन, बहुत अमेजिंग जगह है। अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र को एक्सप्लोर करें तो बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, जिसमें से एक ये था जय विलास पैलेस। यस, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच। और ये रास्ता है पूरा वापस निकलने का, बाहर जाने का, जंगलों के बीच से हम बाहर निकलेंगे। क्या ये रास्ता नहीं था? अबे यार पहले बताते भाई।